नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके लिए एक पौधा लेके आया हूँ, एक्सोरा। एक्सोरा बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे पास जो अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सोरा में फूल नहीं आ रहा है, या कली बन के झड़ जा रही है, या ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, पत्ते पीले हो रहे हैं, तो आखिर इन सब का कारण क्या रहता है, वो आज हम कम्प्लीटली जानेंगे इसको कि क्या कारण है कि एक्सोरा में फूल नहीं आता, और क्या खाद हमें डालना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। क्योंकि एक्सोरा लगाने का अभी बेस्ट टाइम है, अभी लगाएंगे और महीने के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही फूल आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटा छोटा सा एक्सोरा का पौधा लगाया मैंने, अभी देखिए इतनी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए कली निकल रही है, ये पूरा कली का गुच्छा है, ये फूल खिल के ख़त्म हो चुका है, इसके साथ ही गुच्छा देखिए निकलता आ रहा है। तो इसको जब हम थोड़े बड़े गमले में लगाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, तो बाय गॉड मज़ा आ जाएगा इसमें, फ्लावरिंग का पूरा फ्लावरिंग से भर जाएगा दोस्तों। तो आखिर हमें कैसे लगाना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या खाद देना है, आइए हम जानते हैं। तो ये थैली में लगा हुआ नर्सरी से पौधा आपको मिल जाता है एक्सोरा का कहीं भी, और आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसको खाना पीना देना और इसका ध्यान रखना हमें आना चाहिए। तो ये देखिए, इसके लिए हमें एक्सोरा के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गमले की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे 10 इंची गमला है तो इसको आवश्यकता नहीं है इसकी इतने की, ये 8 इंची में लगाइए मैक्सिमम, बहुत है अगर छोटा पौधा है। हाँ, पौधा बड़ा है तो बड़ा चूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए होल होना ज़रूरी है गमले के अंदर, और मिट्टी का गमला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, मिट्टी का ही क्यों? दोस्तों एक्सोरा जो है गर्मी में खिलने वाला फूल है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये एक डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट मीन्स कम जो है कम पानी चाहिए और गर्मी धूप इसको ज़्यादा चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर प्लास्टिक के गमले में होगा तो हीट ट्रैप हो जाती है, और मतलब रुक जाती है अंदर और उबल जाती है, जड़ें उबल जाती हैं इसकी, जिस वजह से पौधा ये मर जाता है। है धूप का पौधा ये, गर्मियों में खिलने वाला, तो इसलिए हमने मिट्टी का गमला चूज़ किया है। अब मिट्टी हमें मिलानी है इसकी, ये देखिए तो बात हो गई, अब हमने ये रख दिया। अब आप देखेंगे कि इसकी मिट्टी जो है हमारी बहुत बढ़िया भुरभुरी मिट्टी है। अगर भुरभुरी मिट्टी ना हो तो रेत मिला लें, और साथ में राइस हस्क मिला सकते हैं आप। अब हमारी मिट्टी ठीक है तो मिट्टी के अंदर क्या न्यूट्रिशन डालने वाले हैं, 8 इंची गमले के लिए एक अच्छी भरी मुट्ठी, ये है हमारी नीम खली। ये देखिए एक भरी मुट्ठी हमने अच्छी मुट्ठी नीम खली की डाल दी। नीम खली को ज़्यादा नहीं डालना है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा आपने की तो पौधा आपका जलने लग जाएगा, मरने लग जाएगा। दूसरी चीज़ हम क्या डालते हैं इसमें, कैल्शियम पाउडर डालते हैं, जो कि डेजर्ट प्लांट्स को पसंद होता है। ये 2 मुट्ठी हम एक गमले में ये कैल्शियम पाउडर डाल ले रहे हैं। तीसरा हम डालते हैं, देखिए ये जुदीप कंपोस्ट है, डालते हैं एक 8 इंची गमले के लिए 4 मुट्ठी हमारा बहुत है, 2, 3 और ये 4 मुट्ठी ये हो गया। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ क्या है हमारा, आयरन पाउडर दोस्तों, इसको भी आयरन की आवश्यकता होती है, तो लगभग 1 चम्मच आयरन हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये चीज़ें मिला करके इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ऐसे देखिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि लगाना कैसे है और क्या रेशो है, बता रहा हूँ, और साथ ही मैं बताऊँगा जिनके पौधे लगे हुए हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं साल से 6 महीने से और फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग क्या टिप्स अपनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ वो टिप्स, ताकि वो करके और आप अपने लगे हुए जो एक्सोरा के पौधे हैं उसमें फिर फ्लावरिंग ले सकें। तो दोस्तों देखा आपने, मिट्टी तैयार है हमारी। अब हमने गमला लिया, गमले में जो सुराख है वो मैंने दिखाया था आपको, इसके अंदर एक टिपरी हम सुराख के ऊपर रखेंगे, ये टिपरी हमने रखी और इस मिली हुई मिट्टी को हम इसमें ऐसे भर लेंगे। इतना मिट्टी हमने डाल लिया, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अब इस पौधे को हमें लगाना है, तो इसको हम देखेंगे माप के कि ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा गहराई और कर देते हैं, आई होप ठीक हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए क्या है, थैली में था पानी ज़्यादा, क्योंकि बारिश 2 दिन से हुई है, जब पानी ज़्यादा पड़ता है तो इसकी सूरत ख़राब होने लगती है, तो ये ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा ना पड़े। बारिश काफ़ी कल हो गई, जिस वजह से थैली में देखिए ये बिल्कुल गीला है, कुछ गीले पोर्शन को हम इसको निकाल देते हैं, ये देखिए, ताकि ये पौधा सर्वाइव कर जाएगा। अब हम यहाँ निकाल दिया तो नीचे हो गया, तो इसको हम थोड़ी सी मिट्टी और डाल लेंगे, देखिए ऐसे हमने डाल लेना है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करते हैं, ये हो गया। अब हमारा पौधा ये फिट है, अब हम इसको डालेंगे खाद। लेकिन खाद डालने से पहले क्या करना है, मतलब मिट्टी डालने से पहले और क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम डाल लेते हैं, और फिर हमें, जैसे कि मैंने बताया कि जिन लोगों के पौधे घर में ऑलरेडी लगे हुए हैं
और वो चाहते हैं कि हमारे मोगरे में फूल आए। तो ये देखिए हमारा सीजनल फ्लावर फूल होता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। और इसकी हम क्या करेंगे, इसको लगाते हुए एक मुट्ठी इधर से इधर चारों साइड में हम इसको डाल देंगे। फिर हम इसको इस तरह से डालेंगे, थोड़ी मिट्टी डाल दी, फिर हमने एक मुट्ठी और डाल देना है कि लेयर में दो लेयर में आ गया। अब हमें इस मिट्टी से ढक देना है, ये देखिए ये मिट्टी से हमने ढक दिया इसको। और ऊपर से जगह कितनी छोड़ी है हमने, वही एक उंगली वाला जो हिसाब है वो जगह छोड़ी है। अब ये हमारा डल गया। अब जिन लोगों का ऑलरेडी पौधा बड़ा लगा हुआ है, 10 इंची गमले में लगा हुआ अब बड़ा है, तो उसमें ये 4 से 6 मुट्ठी पौधे के हिसाब से ये फ्लावर फूल जो सीजनल फ्लावर फूल है ये डालेंगे 2 से 3 महीने में एक बार या 2.5 महीने में एक बार, यानी कि महीने महीने 15-15 दिन में डालना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। और आपका मोगरा जो है, ये सॉरी आपका जो एक्जोरा है वो ज़बरदस्त खिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, बढ़िया खिलता रहेगा। सिर्फ सर्दी में रुकता है ये, अदरवाइज़ ये डेजर्ट प्लांट है, पूरे धूप में रखना है और पानी को कम रखना है, आपका पौधा पूरा साल फूल देते रहेगा। अब इसमें हम पानी कितना डालेंगे, देखिए पानी डालेंगे लगभग लगभग आधा लीटर, यानी कि 500 ml पानी हमने इसमें डाल दिया। अब ये वेल ड्रेन सॉइल है, पानी रुकना नहीं चाहिए, जैसे कि डेजर्ट में होता है बारिश हुई पानी निकल गया। तो वेल ड्रेन सॉइल का मतलब होता है विद इन अ मिनट ये पानी आपके गमले में सीप कर जाना चाहिए, या बरसात होती है एक्सेस होता है बरसात में तो पानी निकल जाएगा। थोड़ी जगह छोड़ने का मतलब है कि पानी बारिश का इतना ही लगेगा, ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएगा और हमारा जो सारा न्यूट्रिशन है प्लांट का वो नहीं बर्बाद होगा। तो इस तरह से वेल ड्रेन सॉइल, अब हमने जो पानी डाल दिया है आज, अब हम अगला पानी कब डालेंगे, अगला पानी कम से कम 3 दिन बाद डालेंगे। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद डालेंगे, कहने का मतलब कल तक ये थोड़ा रूखा हो जाएगा, खुरपी उठाएंगे थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देंगे, कल परसों तरसों 3 दिन जो है इसको 2 दिन पानी और नहीं डालेंगे, फिर हम उसके नेक्स्ट डे डालेंगे पानी जब ये मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। मिट्टी सूखे प्रॉपर तभी आपने पानी देना है तो ये पौधा फ्लावरिंग करेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो इसको पूरे धूप में रखना है और गुड़ाई करते रहना है जब तक पानी नहीं डालना, जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए मिट्टी। और इन जो फ्लावर फूड बताया है इसके लिए आप जस्ट व्हाट्सएप पे लिखेंगे फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या बाकी मटेरियल है उसके लिए भी आपने फर्टिलाइज़र लिख के छोड़ देना है, आपको पूरी की पूरी लिस्ट चली जाएगी। हमारी तरफ से कोई व्हाट्सएप स्टार्टिंग में नहीं जाता है, आपको ही करना है। इसके बाद यहाँ से एक बार आपने कर दिया तो फिर आपको सारी लिस्टें मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।